तो ये हमारी हार्डकोर सीरीज, पुरानी वाली नहीं, ये बिल्कुल नई है। और ये हार्डकोर सीरीज अब तक की सबसे तगड़ी हार्डकोर होने वाली है। तो यहाँ पर मेरा सर्वाइव के साथ बिल्ड करना काम है। और मेरे को सामने एक पेड़ भी दिख रहा है, पता नहीं भाई मैं मैसा भाई में क्यों स्पॉन हुआ हूँ, ये सीड अजीब है भाई। वैसे मैं अभी से सोच रहा हूँ कि मेरे पास ना एक महल होना चाहिए तगड़ा सा, पर उससे पहले थोड़ा खाना चाहिए भाई। ओके भाई खाना भी तैयार। और देखो सामने विलेज है, हमारी किस्मत है भाई बढ़िया। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फर्नेस बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को जितना भी खाना मिला उसको पका लेते हैं। बाकी एक चीज़ बनानी है जो कि एक हो भाई, इससे ना खाना मिलने वाला अनलिमिटेड वाला है। पता है ना एक बार ये खाना मिल रहा है तो भाई लास्ट तक चलता रहता है। हाँ भाई बड़ा ही टाइम बाद खाना खाया, मतलब खाना तो पहले से ही खा रहा था पर ब्रेड खाया भाई। और आयरन गोलम भाई थोड़े आयरन देगा। ठीक है भाई टूल के लिए हमारे पास हो गया जुगाड़। अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, यहाँ से ना निकल लेते हैं, पर इस वाले विलेज में ना मैं रुकना भी नहीं चाहता। चलो भाई नीचे मुझे कुछ दिख रहा है, ओह मेरे को ऊपर से दिख रहा था भाई, इसमें मिलेगा तगड़ा खजाना। दो बूट्स मिले हैं और बाकी का सामान, वाह। और एक गोल्ड का भी ब्लॉक है, ये होती है भाई लूट थोड़ी बहुत। चलो सबसे पहले ना गोल्ड का जुगाड़ कर लिया जाए। और हाँ मेरे को जूते मिले हैं भाई, इसमें फ्रोस्ट वो करके भी जूते है जो की काम नहीं कर रहे। कोई बात नहीं भाई, सबसे पहले अपना ये ले लेते हैं उसके बाद चेक करेंगे, मेरे ख्याल से तो काम कर रहे होंगे यार वे। चल भाई गोल्ड के ब्लॉक जल्दी से टूट जा। ओके हो गया भाई हमारा काम, अब ना मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अकेशिया भाई मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही भाई ये अकेशिया। ओ भाई काम कर रहा है, चलो ठीक है, वैसे भी काम करते भाई जो उसमें एन्चेंटमेंट है तो काम तो करते ही। तो भाई मेरे को यहाँ से निकलना है, इस मैसा बायोम से निकलना है, बहुत बेकार लग रही है मुझे। वैसे घूम फिर के मैं मैसा बायोम में ही आ गया, मेरे को सामने जंगल बायोम दिख रही थी भाई, इसलिए देखो सही में बहुत अजीब बायोम है। डेजर्ट मैसा जंगल सब चीज मिक्स हो रखी है, बढ़िया बायोम है मतलब। और अगर ऐसी बायोम हो ना तो मजा ही आ जाए भाई, देखो कितनी सारी चीज। यहाँ पर तो विलेज भी है, तो विलेज देख के ना मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है भाई, क्यों ना इस विलेज को मैं पूरा ट्रांसफॉर्म कर दू, मतलब बदल दू। वैसे अभी अभी मैं हार्डकोर में मेरी शुरुआत हुई है, ऐसा करना पता नहीं ठीक रहेगा कि नहीं, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ भाई, पर उससे पहले इनकी लूट ले लेते हैं भाई। वैसे डेजर्ट में भाई ऊंट भी है, ठीक है तेरे से मिलने आऊंगा बाद में, पहले यहाँ पे ना थोड़ी बहुत लूट ले लू, क्योंकि यहाँ पर एक विलेज आ रहा है तो तगड़ी लूट देता है। ये देखो भाई दो दो डायमंड छुपा रखे और एक पिकैक्स भी है। चलो भाई हो गया थोड़ा सा काम हमारा, ज्यादा तो नहीं ठीक ठाक ही काम हो गया भाई, थैंक यू भाई। तो अब मेरा यहाँ पर पहला काम है ये सारे के सारे बेड को हटाना और इनको एक जगह शिफ्ट करना, क्योंकि मेरे को एक एक विलेजर यहाँ पर सेव करना है। तो चलो भाई तैयारी कर लेते हैं उसके लिए, जिसके लिए मेरे को चाहिए थोड़े से पेड़ और ये डर्ट सारी की सारी हटानी पड़ेगी, मतलब सैंड है भाई। तो सारे के सारे विलेजर्स को मैं यहाँ पर शिफ्ट करने वाला हूँ। ये लो भाई विलेजर्स तुम्हारे लिए एक तगड़ा घर बन रहा है। ओ यहाँ पर और भी बेड बचे हुए हैं, मेरा ध्यान नहीं गया था। वैसे मुझे लगता है मैंने सारे बेड तो ले लिए, वो सामान भी है यार, ये भी तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो आएंगे विलेजर्स। ठीक है भाई अभी विलेजर्स फटाफट से स्पीड में आ जाओ यार। ओ एक आगे, अरे नहीं भाई फटना नहीं भाई फटना नहीं। ओह भाई एक पता नहीं कहाँ से आ जाते भाई। ओ पगलेट बाहर निकल तू, इधर इधर इधर, फटना नहीं भाई, आराम से रुक जा तुझे मैं बताता हूँ, इधर आ जा। आ जाते भाई फालतू में लड़ने बढ़ने कोई काम नहीं रहता। तो भाई मेरे को ना सारे बेड यहाँ पर लगाने, इनका जितना भी सामान है वो सारा लगा देना, विलेजर अपने आप ही आ जाएंगे खुद ही। बस एक छोटा सा काम करना है, ये घंटा ना मेरे को बजाना एक बार। अब जो भी हो बेड के पास सारे के सारे आएंगे। और गोलम भाई थोड़े से आयरन उधार मिलेंगे। चलो भाई विलेजर एक एक करके अंदर जाओ भाई, जल्दी जल्दी स्पीड में, मेरे पास टाइम नहीं है यार। इनको भेजने के बाद मुझे इनके सारे घर तोड़ने हैं भाई। अरे जाओ यार कितना टाइम लगाते हैं भाई, ये पता नहीं गेट अजीब है, जब तक बंद रहता है इनका मूड बदल जाता है हर बंद होते ही। ठीक है भाई कोई और रह गया, तुम रह गए तो मैं बाद में देखूंगा भाई। अरे काम करो तुम पहले आ ही जाओ अंदर, चल घुस अंदर। ठीक है रात हो रही है, एक बार सो जाते हैं उसके बाद इनका घर तोड़ेंगे भाई। चलो शुरुआत करते हैं अभी। भाई तेरे को क्या हो गया, तू अंदर नहीं जा पा रहा तो नाच क्यों रहा है भाई, चक्कर आ जाएंगे यार। तो घर तोड़ने के बाद मेरा दूसरा प्लान है इस सारी की सारी जमीन को एक ग्रीन में बदलना। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं प्लेन बायोम का भी तो विलेज ले सकता था ना इस काम के लिए। ठीक है चलो भाई एक काम करते हैं, मतलब कि एक फालतू का काम करते हैं, ये रेड वाली सैंड को इकट्ठा कर लेते हैं भाई, अच्छी लग रही है। ओ भाई यहाँ पर कोई है, ओहो
तू जलते जलते मेरे को फावड़ा देने आ रहा है क्या? अरे नहीं भाई, अरे ठीक है मैं जा रहा हूँ भाई, एक ही हट बचा है। यार कहाँ कहाँ से आ जाते हो भाई? तो फालतू काम हमारा खत्म हुआ। मेरे को असल में डर्ट लेनी थी यार, पता नहीं क्यों मैंने वो रेड सैंड इकट्ठी करी है, कहीं ना कहीं तो यूज करूंगा उसको फ्यूचर में। तो चलते भाई इन डर्ट को प्लेस करने, पर उससे पहले ना थोड़ा सो लेना चाहिए, क्योंकि भाई ये हार्ड कोर है, रात में मर गया दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे को करना क्या है भाई, यहाँ पर ना जितना भी एरिया है सारा का सारा मेरे को डर्ट से कवर करना है, जितनी मेरे पास डर्ट है ना सारी लगानी है। ओके भाई ये तो कुछ कवर ही नहीं हुआ यार, पूरा एरिया बचा हुआ, मैंने काम ही कितना करा है। ओ भाई सच में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस वाले में तो। मेरे को तुम सोने दोगे यार थोड़ा सा? यार ये सच में काम बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके भाई कई दिनों की मेहनत के बाद यहाँ पर मैंने घास वास लगा दी, बहुत बार मेरे को घास लानी पड़ी तब जाके यहाँ पर घास लगी है यार। ओ बिल्ली भी है भाई, बिल्ली इधर आएगी? नहीं ठीक है, वैसे घास अजीब दिख रही होगी क्योंकि सैंड के नीचे है ना, मतलब ऊपर है। तो अब एक काम और कर लेते हैं, मेरे को यहाँ पर पाथ बनाना है जिसके लिए मेरे को शावल चाहिए होगा। ये लो भाई पाथ हमारे तैयार। अब सोच रहा हूँ यहाँ पर थोड़े बहुत घर वर भी बना लिए जाए, पर उससे पहले ना सो लेते हैं थोड़ा। और गोलम भाई थोड़े उधार देगा आयरन? तो अब मेरा काम क्या है, मेरे को थोड़ी सी लकड़ियाँ लेनी है, उसके बाद फिर मेरे को यहाँ पर विलेज के घर बनाने हैं। और हाँ थोड़े से मेरे को बैम्बू भी लेने हैं भाई, बैम्बू वाले घर बनाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अपना यहाँ से घर, जैसे भी होगा अच्छा बनेगा देख लेना भाई, बहुत तगड़ा बनेगा ये। वैसे मुझे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी चीजों की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि एंडेसाइट वगैरह, भाई क्या करूँ लानी पड़ती है सारी चीजें। और हाँ हमारे सारे घर तोड़ दिए भाई मैंने, वो सच में ना बहुत बुरे लग रहे थे भाई दिखने में, इसलिए मैं दोबारा से बनाऊंगा। बस पहले थोड़े से आयरन ले लूँ भाई, थोड़े आयरन दे दो यार। ओके यहाँ पर एक बंदा आया है, वो एक मिनट इसके पास कुछ खास चीज थी भाई, चेरी की सेपलिंग। वाह ये तो अच्छी चीज है, चलो भाई काम पे लग जाते हैं। मेरे को एक चीज बेचनी है, मेरे पास हे बेल है, वैसे एक काम करते हैं हेबेल ही बेच देते हैं। अभी देखो यार थोड़े से मेरे को एमरल्ड चाहिए, कम से कम 5 एमरल्ड, काम मेरा हो जाएगा। और कोई है भाई? ठीक है इसी से ले लेते हैं। कहाँ गया भाई बेचने वाले? इधर आजा, इधर इधर इधर, ये ले अपने एमरल्ड और मेरे को दे मेरी सैपलिंग। तो सारे पुराने घर, अरे भाई शोर क्यों मचा रहा है? ठीक है भाई सारे पुराने घर हटाने के बाद यहाँ पर मैं नए तरीके से बनाऊंगा, जिसमें मैं सबसे पहले एक कैसल की दीवार, कैसल तो नहीं एक दीवार का गेट बनाऊंगा भाई मैं, मतलब कि मेन गेटवे बोल सकते हो उसको। ओके भाई थोड़ा बहुत तो गेटवे तैयार है। यहाँ मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि ऐसे करके मैं थोड़ी सी लाइट वाइट भी लगा दूँ तो शायद अच्छी लग जाए, पता नहीं गेट चमक जाए कुछ इस तरीके से, जो भी है ठीक है भाई। बस हाँ एक चीज़ रह गई यहाँ पर, जिसके लिए मेरे को ये वाले पत्थर की ज़रूरत है और ये वाली घास को भी हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई ये प्लेस करने हैं यहाँ पर। अब देखो इससे क्या होगा, ये हमारा पाथ बन जाएगा थोड़ा सा बढ़िया वाला। मैं सोच रहा हूँ ये वाले पाथ को ना मैं सब जगह फैला दूँ तो और भी बढ़िया लगेगा, पर बाद में, अभी तो सिंपल देखते हैं भाई कितना लगता है। बस हाँ एक छोटी सी चीज़ करनी है भाई, थोड़ा अमीरों वाला शौक रखना है भाई। तो इधर क्या कर रहा है भाई, मेरा एक काम करेगा? अरे इधर भाई, अरे ये नहीं लेनी भाई मेरे को ना, इसको स्टिक बेचनी है असल में, ताकि मैं इससे एमरल्ड ले सकूं। कम से कम इससे मेरे को 10 एमरल्ड चाहिए होंगे ताकि मैं एक ब्लॉक बना सकूं एमरल्ड का, और जो ये मैंने गेट बनाया है ना इस गेट के टॉप पे मैं इसको लगा सकूं भाई। इससे थोड़ा सा ये लगेगा कि ये अमीरों वाला घर है, ठीक है
अब भाई थोड़ा सा लगना चाहिए ना। हमारा ये वाला काम कंप्लीट, अब करते दूसरा काम जो कि है चारों तरफ की दीवार बनाना। दीवार तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन दीवार के जो बाहर का एरिया है ना, वहाँ से कोई भी कूद के आ सकता है, इसलिए मेरे को सारी की सारी हटानी पड़ेगी चीजें। और दीवार को इस तरीके से बनाना है कि इसमें कोई घुस भी ना सके। तो थोड़े बहुत और डिजाइन बनाने हैं यहाँ पर मुझे, फिर मेरा काम हो जाएगा। बस सोच रहा हूँ कि किस तरीके से कौन सा डिजाइन यहाँ पर बढ़िया रहेगा, तो उसी हिसाब से डिजाइन बना के ये सारे ब्लॉक प्लेस करने हैं। और प्लेस होने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके की लगती है, लग रही है ना थोड़ी बहुत ठीक ठाक ही दीवार, चारों तरफ से कवर हो गया भाई। अब और अब एक काम और करते हैं जो कि है इनके लिए घर बनाना। पहला घर ना मैं चेरी के पेड़ से बनाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देखना भाई कितना तगड़ा लगेगा ये। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, ऐसा नहीं बनाऊंगा भाई। वैसे मेरे को थोड़ी बहुत चीजों की भी जरूरत है, जैसे कि यहाँ के ये क्रीपर तो नहीं, असल में यहाँ पे मेरे को कुछ और चाहिए भाई। तू चला जाना, क्यों परेशान करने आता है। तो पहली चीज ना मेरे को यहाँ से क्ले चाहिए होगी, जितनी हो सके उतनी ज्यादा क्ले। और क्ले के बाद मेरे को ये वाले ब्लॉक चाहिए, काले वाले, इनसे ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन सकती है भाई। पहला घर हमारा बनके तैयार है, बस एक काम और करना है, ग्लास चाहिए। और ग्लास से ना मैं व्हाइट कलर के ग्लास बनाने वाला हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन व्हाइट देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं भाई दिखने में। तो वैसे हमारा घर भी बनके तैयार है, ये हमारे विलेजर का, मतलब हमारा नहीं है, विलेजर रहेंगे भाई इसमें। बस थोड़ी बहुत ही डेकोरेशन कर लूं, छोटी मोटी है भाई, इसके बाद मैं और भी डेकोरेशन करूंगा अगले पार्ट में, अभी तो सिंपल रखता हूं मैं इसको। और देखो मेरे पास कुछ फ्लावर भी है जो मैंने छोटे छोटे इनके लिए गार्डन बनाया है, इनके अंदर लगाने वाला हूं भाई, मैं नहीं चाहता कि ये कहीं और फैलाए कुछ भी। ये लो भाई हमारा घर बन के तैयार, लग रहा है ना थोड़ा सा अलग। अब करते हैं हमारे दूसरे घर की तैयारी, और दूसरे घर के लिए चाहिए मेरे को बैम्बू के ब्लॉक। असल में इससे मैं एक टावर बनाने वाला हूं, एक वॉच टावर, जहां से मैं सब कुछ देख सकूं। हमारा वॉच टावर बनके तैयार है, पर ये बहुत गंदा लग रहा है, इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा भाई अभी, इसको मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगा, थोड़ा ठीक करके तब दिखाऊंगा भाई। अभी फिलहाल मेरे को चाहिए स्प्रूस की लकड़ियां, और स्प्रूस की लकड़ियां आसपास है नहीं, लेकिन हाँ एक जगह स्प्रूस की लकड़ियां मिलेगी, जो कि ना सामने एक शिप रैक है, ये मेरे को स्प्रूस की लकड़ियां दे सकती है। वैसे तो आसपास से मैं ले आऊंगा स्प्रूस की सैपलिंग, पर अभी तो फिलहाल मेरे को यहां से चाहिए। तो दूसरा घर भी हमारा बन के तैयार, जो कि जंगल की लकड़ियों से बना है। बस एक घर और बनाना है, जो कि मैं यहीं पे सोच रहा हूँ बनाने की। वैसे आपको अपना वॉच टावर दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब बस इतना ही दिखाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं दिखाऊंगा भाई, ये बहुत अजीब लग रहा है मुझे, पता नहीं आगे मैं इसको बदल भी दूं। तो घर हमारे सारे के सारे बन के तैयार है, थोड़े थोड़े अजीब लग रहे हैं लेकिन बन के तैयार है। अब बस एक काम करना है, इनका जो भी सामान है ना सारा का सारा शिफ्ट करना मुझे। और भाई विलेजरो तुम्हारे लिए हो चुका है सारा काम तैयार, अब बस एक काम ही है, यहाँ पर आना है भाई सबको। और देखो ये घर ना थोड़े बहुत इस तरीके से बने हुए हैं,
बस कुछ नहीं है अंदर, सिंपल सिंपल वही चीज जैसे होती है भाई घर में, कुछ एडवांस थोड़ी ना है घर में। इनके लिए तो सिंपल ही रखूंगा भाई, अपने लिए करूंगा एडवांस चीजें तो। और देखो ये वाला हमारा अकेशिया वाला घर अंदर से बिल्कुल सिंपल है, और पीछे की तरफ एक दड़बा है जहाँ पर जानवर वगैरह रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर 5-6 बेड आ सकते हैं एक साथ, उससे भी ज्यादा आ सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो। और विलेजरों भाई आने का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी आ जाओ इधर, चलो निकल तो रहे हैं घर से। ये बाहर जा रहे हैं क्या? ओ घर चलो भाई, बता रहे भाई इनको वहाँ मेन रास्ता नहीं दिखेगा। चलो ठीक है यहाँ से ही रास्ता ठीक, वो वहाँ से मेन से जाएंगे नहीं भाई। ओ विलेजर हो इधर इधर इधर, चलो इन्हें पता चल रहा है कि बेड आसपास है कहाँ पर, और ये उसी से जा रहे हैं। बस कुछ नहीं करना भाई, दीवार तोड़ देनी है, अपने आप ही चले जाएंगे। चलो भाई एक एक करके। वाह तुमने तो कब्जा भी कर लिया भाई अभी से, सही है भाई, सबने अपना अपना एक एक बेड ले लिया, और ये जंगल के घर पे भी कब्जा। ओहो ठीक है भाई, लगे रहो, सबने आते ही कब्जा बोल दिया भाई। बस अभी मेरे लिए घर नहीं है भाई, थोड़ी सी स्प्रूस इकट्ठा कर ली जाए उसके बाद फिर बनाते घर। ओ भाई तू मेरे को थोड़े से आयरन देगा, बस थोड़े से चाहिए। ओ ये फंसा हुआ है, वाह तो मरेगा भाई तू। चलो भाई थोड़ी बहुत डेकोरेशन की चीज़ें, अरे यार ये क्या हो जाता भाई, ये एक स्टैक में नहीं रहती ये चीज़ें जी, पता नहीं क्या सोच के चीज़ें बनाई, इनको रखने में दिक्कत होती है भाई ऐसे। चलो जाने दो भाई, अपना घर बनाते हैं, तगड़ा सा एक छोटा सा घर। ओके घर हमारा बनके तैयार, लेकिन एक काम करना पड़ेगा जो कि भाई इन घास से मेरे को ये पाथ को हटाना पड़ेगा, और इस काम में मज़ा बहुत आता है भाई। अब ना मेरे को नया पाथ बनाना पड़ेगा, पहले वाले पाथ बहुत बेकार थे भाई, अजीब लग रहे थे। तो अभी मैं करने वाला क्या हूँ, सबसे पहले तो अपना स्टोरेज बनाऊंगा एक छोटा सा, यहाँ पर मैं अपना सामान रखूंगा, छोटा मोटा सामान, बड़े वाला नहीं भाई, ये सिंपल सिंपल सामान के लिए होगा, वैसे भी डेकोरेशन के लिए है ये, हमारा स्टोरेज बड़े वाला तो कहीं और ही होगा भाई तगड़ा। आपको नहीं पता कि ये महल वहल या जितनी भी चीजें बाहर से दिखेगी ना, ये ऐसी नहीं होने वाली। तो देखो अंदर से कुछ ये इस तरीके का है, बस यहाँ इधर से खाली है। मैं सोच रहा हूँ इधर की तरफ कोई एक दीवार बना दी जाए, ताकि मैं यहाँ पर दो रूम बना सकूँ। देखो कुछ इस तरीके से अब लग रहे हैं ना, बढ़िया से रूम। वैसे मैं अगले पार्ट में इनकी और भी ज़्यादा तगड़ी डेकोरेशन वगैरह करने वाला हूँ, मतलब ऐसा लगेगा जैसे बहुत तगड़ी चीज़ है। अभी तो मैं सिंपल सिंपल बना रहा हूँ, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा भी बड़ी चीज़ें नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। देखो मैंने जंगल के गेट भी लगा दिए, ये अच्छे लग रहे हैं। वैसे मैंने पहले ओक के लगाए थे, ओक के बहुत बेकार लग रहे थे, जंगल के अच्छे लग रहे हैं गेट। और जिस दिन मेरे को डार्क ओक के मिल गए वो लगा दूंगा, वो और भी अच्छे लगेंगे भाई। बाकी डेकोरेशन के लिए थोड़ी बहुत और चीज़ें लगा देते हैं, जैसे कि फ्लावर पॉट, जिसमें लगाऊंगा ये वाले फू, ये बेकार लग रहे हैं भाई, ये अच्छे लग रहे हैं। तो हमारा ये बनके तैयार है भाई, बस अपना थोड़ा बेडरूम का जुगाड़ कर लेते हैं। कोई बड़ा स्पेशल बेडरूम नहीं होगा फिलहाल तो, अभी के लिए अभी एक छोटा सा रूम होएगा, जहाँ पर थोड़ा सा मेरा फायर कैंप भी होगा, मतलब कैंप फायर होता है भाई, जिसमें मैं आग सेक सकूं, लेटे लेटे गर्माहट आएगी ना भाई। लेकिन इसका धुआं ना आस पड़ोसियों को पता चलना चाहिए भाई, जिसके लिए मैं हेबेल यूज़ करूंगा। अभी हेबेल से ना इसका धुआं और ऊंचा जाएगा, और ऊंचा जाके ना मेरे महल से बाहर निकलेगा कुछ इस तरीके से। अब लग रहा है ना बढ़िया, आस पड़ोसियों सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। वैसे मेरा काम आज का हो गया भाई, आज के पार्ट का मैंने पूरा विलेज ट्रांसफॉर्म कर दिया अलग चीज में, और ये और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाला अगले पार्ट में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आज के लिए पसंद नहीं मिलेंगे गेम के एपिसोड में।